है सब कुछ? सुनाई दे रही है? मैं सुनाई दे रहा हूँ क्या? गायब यस सर। हूँ मैं, सब कुछ सही है। ओके वेरी गुड। लेट्स बिगिन पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का आज लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर के बारे में आपको डिस्कशन हो चुकी है, फिर भी चलो देखता हूँ कि इसकी कॉन्सेप्ट आपकी स्ट्रांग है कि नहीं। मैजिक नंबर किसको बोलते हैं पीरियडिक टेबल में? यस 8, 8, 18, 18, 32, 32। वेरी गुड। चलिए हम लोग, अब हमारे पास 17 ग्रुप होते हैं। आपको मालूम है आपको 17 ग्रुप के जो एटॉमिक नंबर सबके मालूम होनी चाहिए, किसी की एटॉमिक नंबर ऐसी ना हो कि आपसे मिस हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप 1 है ये, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप है हमारे पास, ठीक है ना? अब यदि इन 18 ग्रुप में हमें, इन 18 ग्रुप में हमें सिर्फ मालूम रहेगा पहले का एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियो कट रहा है क्या? एक सेकंड देखिए, 18 एलिमेंट में यदि हमें पहले का एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तो हम लोग सबका लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, पहला एलिमेंट कौन कौन है मुझे बता देना। हाइड्रोजन होती है पहली एलिमेंट ग्रुप 1 में, सबको मालूम है, ठीक है ना? यस सर। चलो, जिसका एटॉमिक नंबर आप सभी को मालूम रहता है। ग्रुप 2 में पहली एलिमेंट कौन सी होती है? बेरिलियम। ये एकदम लाइन में रहता है कि एक नीचे रहेगा? नीचे नीचे, पीरियड 2 में रहती है। नेक्स्ट, पीरियड 3 में कौन आ जाता है? स्कैंडियम। पीरियड 3 की पहली एलिमेंट लिथियम। पीरियड सॉरी स्कैंडियम सर, ग्रुप 3 का बोलना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूँ। ग्रुप 3 का पहला एलिमेंट स्कैंडियम। मैं यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, मुझे बताना है ए कॉलम में कि बी कॉलम में? सर ए। ए में होगा पक्का? नहीं यस सर। नहीं बेटा, यहाँ पे आएगा स्कैंडियम। ओके ध्यान दो, इट्स मैग्नीशियम, कैल्शियम 20 होती है, फिर उसके बाद शुरू होता है स्कैंडियम। ध्यान आई? ओके और पहला एलिमेंट ग्रुप 4 का चलो देखते हैं किसको किसको। टिटेनियम। यट्रियम। यट्रियम ए सॉरी वेंडियम होगी ना, टाइटेनियम के बाद वेंडियम होगी। टाइटेनियम, फिर वेनेडियम। वेनेडियम, फिर क्रोमियम। मैंगनीज। मैंगनीज। आयरन। लेजन। कोबाल्ट। 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 निकल। जिंक। निकल, कॉपर, जिंक। जिंक ओके। ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट कहाँ पे? यहाँ पे कि नीचे में? सर नीचे में। नीचे सर। पहला एलिमेंट क्या होगा जल्दी बताना? बोरोन। बोरोन यस सर। बोरोन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन। कार्बन। बहुत अच्छा। ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना होगा बच्चा। ऑक्सीजन। फ्लोरीन। फ्लोरीन से नियॉन सर। ऊपर हीलियम होगा। हीलियम, ठीक है ना? पहला एलिमेंट हीलियम होगा। यस। ये वाला हमें पहला एलिमेंट सबका मालूम चल गया, ठीक है ना? आप पहला एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर तो सबका मालूम ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन कितनी है बता दें? 1। बेरिलियम की 4। और स्कैंडियम 21, 22, 23, ठीक है ना? 24, अब यहां तक मैं लिख देता हूँ 30 डायरेक्ट, कितना लिखूं? बोरोन का 5, 6। देखो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि बहुत आसान चीज है बट आप उसको मिस्टेक कर देते हैं। अब चलिए, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर चाहिए, दैट इज लिथियम, तो कितना ऐड करें हम जल्दी बताना? 2 सर।
टू ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा लिथियम, प्लस टू कर दिया मैंने, ठीक है ना। आप मुझे बताओ लिथियम के नीचे वाला सोडियम का चाहिए तो कितना चाहिए? प्लस एट। प्लस एट करेंगे, प्लस यस, ठीक है ना। लिथियम की हो गई तीन और फ्लिप प्लस एट की है तो ग्यारह, ठीक है ना। फिर प्लस एट, प्लस एट, प्लस एट, वेरी गुड। फिर प्लस एटीन, प्लस एटीन, प्लस प्लस एटीन, एटीन, दो बार एटीन, थर्टी टू, थर्टी टू, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना। आप सेकेंड वाला में टू मत ऐड करना, इसमें कितना ऐड करेंगे? मैग्नीशियम का चाहिए तो एट, ठीक है ना। फिर एट, हाँ एट, ठीक है ना। फिर एटीन, एटीन, फिर उसके बाद एटीन, एटीन, एक बार थर्टी टू, थर्टी टू, थर्टी टू। जल्दी इससे बता दो, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का कितना होगा? बारह। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का कितना होगा? ट्वेंटी, ट्वेंटी, है ना। मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद क्या आएगा? Strontium. Strontium. 38. 38. 38. Barium. 56. और ये वाला? 88. 88. चलो, अब scandium के बाद next element चाहिए तो कितना add करना पड़ेगा? इसे बताओ. Plus 18. 18. Yes, yes, yes. 18. So 18. Next. 32. 32. आप नेक्स्ट वाला सोच के बताना, क्योंकि आई उम्मीद करता हूं कि बच्चे इसमें गलती कर देंगे। मुझे मालूम है इसमें गलती कर सकते हो। बताओ टैकिंग में नेक्स्ट कितना ऐड करोगे नेक्स्ट के लिए? 18 ऐड किए, चलो। और नेक्स्ट के लिए 18 32। थर्ड ग्रुप सिक्स्थ पीरियड में आपको मालूम है कि एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड शुरू हो जाती है, तो 32 एलिमेंट आ जाती है ना यहाँ पे, समझ गए ना बात को। तो नेक्स्ट ऐड करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 32. ये गलती कर देते हैं बच्चे, दिमाग में रखना। फिर यहाँ पे भी 32 ऐड करना, ठीक है ना। और ये वाला सिमिलर कहानी चलेगा आपका 4 नंबर से 12 नंबर तक, दिमाग में रखिएगा। ओके, ये स्ट्रेट लाइन तो वो देख लो, ये 4 से लेके 12 तक, ये दिमाग में रखना। 4 से लेके 12 तक सेम कहानी चलेगी बच्चों, दिमाग में रखना। 18 32 32 18 32 32 इस तरह करके बनाना। ओके, समझ गए। तो 4 to 12 में आपका सिमिलर कहानी चलेगा। नेक्स्ट चलो आ जाओ बोरोन वाला का कहानी में, ठीक है ना। 5 के बाद कितना ऐड करें? 8. नेक्स्ट 18 डी ब्लॉक आ गया ना, 18. Yes, 18. फिर 18 फिर 32. आपको नीचे वाले का भी जानने का जरूरत नहीं है, उसमें उतना डेप्थ में आपको जानने। कार्बन के बाद सेम कहानी चलेगा, 8. ठीक है ना, यहाँ तक सेम कहानी चलेगा। ओके, नोबल गैस के लिए सर 8. चलो इसका तो मैं लिख ही देता हूँ, नोबल गैस सबको आपको याद रहना चाहिए, 8 का चक्कर में नहीं पड़ना। नोबल गैस का जल्दी से बताओ, 2 के बाद कितना है नियॉन का? 10. 10. 20. हाँ? 18. फिर 36. 54. 86. ये तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन, रेडन, ये 2 ऐड उड करने की जरूरत है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये जो एक मैजिक नंबर चार्ट दिया, ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है बोले तो, जिससे आपको एटॉमिक नंबर सबका मालूम चल जाएगा। ओके, तो दिस इज, एक बार गौर कर सकते हो और कोशिश करना बेटा एक बार, आज होमवर्क में मेरी बात मान लो, आज प्लीज करना ये वाला काम। आज होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, सारे एटॉमिक नंबर देख लेना ठीक से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे सारे काम। ओके चलिए, तो कहानी को अब आगे ले चलते हैं। तो यू कैन डू इट एज अ होमवर्क, आज हो जाएगा होमवर्क कि नहीं होगा? डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड एंड ब्लॉक नंबर। ओके, ध्यान से देखिएगा, पीरियड और ब्लॉक नंबर कैसे डिटरमाइन करेंगे।
पीरियड नंबर डिटरमाइन करने का तरीका है द क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर मतलब कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, दैट इज द पीरियड नंबर. अंडरस्टूड? तो चलो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. देयर इज एन एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को आप करने की कोशिश करो. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आयोडीन. ओके, आपको मुझे बताना है कि आयोडीन किस पीरियड में बिलोंग करती है. आप डायरेक्ट मुझे मत बताना भी, आप जो हिसाब से बताए हो उससे बताना. आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता करना है. तो जल्दी से मुझे कोई आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता सकता है कि चलो मैं आयोडीन बता देता हूं कितना होती है? 53. कैसे आया 53? देख लेते हैं हम लोग. देखो, क्लोरीन के बाद क्लोरीन आई. क्लोरीन की कितनी आ जाएगी? 17, है ना. क्लोरीन के बाद ब्रोमीन. ब्रोमीन की कितनी? 35. और 35 में 18 ऐड करेंगे तो 53. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन की 53 हो गई. किसी का पता चल सकता है फटाक से? मेरा पेन गायब क्यों हो गया आज? एक मिनट, सॉरी. चलिए, अब आयोडीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिख के बताओ कि इसकी पीरियड नंबर क्या होनी चाहिए. 1s2 2s2. देखते हैं कि पूरा कौन बताता है. देखो, 1s2, फिर 2s2 2s2, फिर 2p6, ठीक है ना. 10 हो गया. 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d10 के बाद 4p6, है ना. फिर उसके बाद 5s2 5s के बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4d 4d10. फिर उसके बाद 5p5. ओके, आई सपोज आप लोग ये ऑर्डर को गलती से भूल चुके हो. एक बार मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ बच्चों कि दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मत भूलो, ठीक है ना. देखो, ध्यान आ रहा है? 1s, फिर 2s 2p 3s 3p, फिर उसका ये ऑर्डर याद कर लिया. 4s 3d, फिर 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d, फिर 5p, ठीक है ना. 5p के बाद 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p. ये ऑर्डर को मत भूलो, आसान सा है, आराम से दिमाग में रहेगा. ओके, ठीक है, देख लो एक बार, क्योंकि आज मैं इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ. 1s 2s 2p 3s 3p 3d नहीं भरेगा, आपको मालूम है. 4s भरेगा. 4s के बाद 3d, फिर 4p, उसी के बाद 5s के बाद, ध्यान देना है, 5s के बाद 5p नहीं भरेगा. ओके, 5s के बाद 4d तो खाली रह गया था ना, तो 4d भरा. समझ गए? ये ऑर्डर याद रखना. याद रहेगा स्टूडेंट्स? एक बार फिर से पिक्चर देख लो. यदि आपको इसको लिखना है तो लिख लो. ये तो बताया हुआ, लिखना क्या है. चलिए आगे. अब देखो, एक मैं छोटा सा चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ स्कूलों में टीचर्स थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से वो थोड़ा बोलते हैं गलत है. बट चलो, उनका मेथड है. मैं बताऊंगा कि आप अपने स्कूल में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आप किस तरह से लिखना. पहले तो इस तरह से आप लिख लेना जिस तरह से मैं भरना सिखाया, फिर उसके हिसाब से अलग अलग सेल की ऑर्डर में लिख देना, ठीक है ना. 1s2 2s2 2p6
ओके, 3s2 थ्रू p6, फिर उसके बाद 3d10, 3d10, 4s2 4p6 4d10 10 5s2 5p5. तो क्या करना है, कुछ स्कूल वाले टीचर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि इस तरह से आप लिखोगे तो वो गलत है, पर छोड़ो, उनको बोलने दो। सीखने का तरीका यही है कि आपको पहले इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ऑर्डर समझ आता है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक रूल होता है, दैट इज नोन एज मेडलंग रूल, ओके, जो अलाउ करता है कि इस हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ज्यादा अच्छा होता है। पर छोड़ो, आप क्या करना, पहले मेडलंग रूल के हिसाब से लिख लेना, फिर उसके बाद आप ऑर्डर में लिख लेना, ओके। बट चलो, आप सीखने आए हो यहाँ पे, चीजें रटने नहीं आए हो। तो पीरियड क्या होती है, लास्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर, तो क्या है यहाँ पे, 5 है, 5, अंडरस्टूड। तो आयोडीन का पीरियड नंबर हो जाएगा 5, समझ गए बच्चों, लिख सकते हो। और आप सिंपल में भी लिखना जानते हो, मैं आपको उतना डिटेल्स में क्या ले जाऊं, आप तो भली भांति समझदार बच्चे हो। ग्रुप 17 का आपको जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना बच्चा, NS2 NP5, ओके। तो आप बालक लोग इतना समझदार हो, बुड़बक तो नहीं हो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप ऐसे लिखना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड। आप सिंपल क्या लिख दोगे, है ना, सॉरी पहला नहीं, ये वाला दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, फ्लोरीन दूसरी होती है, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 5s2 5p5, इट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि आपको पीरियड नंबर पता करना है, तो पीरियड नंबर में आपको सिर्फ वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानना है, तो 5 हो गया, गॉट इट, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो, ब्लॉक नंबर, आपको बोलेगा ब्लॉक नंबर निकालने के लिए कि कौन सी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ओके। तो ब्लॉक का पता करने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो मालूम है ना, द ऑर्बिटल विच रिसीव्स द क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन, विच रिसीव्स अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक दे रहा हूं, लेट द एलिमेंट बी एक्स, ठीक है ना, उसका है 20, मुझे बताइए ये कहाँ पे होगा, पहले तो मुझे सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो देखते हैं कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताना, 2s2 चलो 2p6, वेरी गुड। देखो ऐसे जोड़ना, 1s2 2s2 2p6, 2p पुड़ गया ना, तो मतलब कितने, 10 पुड़ गए, नियॉन आ गया, है कि नहीं, 2p6 तो याद है आपको, फिर 3p6 कौन पुड़ गया, आर्गन, आर्गन आ गया, फिर 3p के बाद कहां, 4s2 18 दो 20, फिर 3d8, ठीक है ना। अब हमारे टीचर को खुश करने के लिए, मतलब कुछ टीचर्स हैं उनको खुश करने के लिए कैसे लिखोगे, 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉक नंबर डिटरमाइन करने के लिए ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, और आपको ये वाला चक्कर में नहीं फंसना ज्यादा, ठीक है ना, आपको मेरे चक्कर में रहना है, तो मेरे चक्कर के हिसाब से लास्ट ऑर्बिटल कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव, डी वाली ऑर्बिटल, तो कौन सी ग्रुप हुई ये वाली, डी ब्लॉक, समझ गए बच्चों, गॉट इट। अब आपसे पूछ लिया गया कि यही क्वेश्चन देके आपसे पूछा गया कि कौन सा पीरियड में है ये, फोर्थ में, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो लास्ट वाला है वो 4s है ना, सबसे बड़ा वाला 4 है, गॉट इट। चलिए,
तो डिटरमिनेशन हम पीरियड एंड ब्लॉक नंबर तो आप आराम से कर ही सकते हो, किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हो, है कि नहीं। तो कुछ आप होमवर्क में अपने तरफ से कुछ अपना मन से किसी को पिक कर लेना और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, ग्रुप नंबर डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कल बच्चे फंसते हैं ग्रुप नंबर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर वाली कहानी सीख लो। पीरियड किससे निकलेगा बेटा, जल्दी से मुझे बता दो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे लास्ट वाला, सबसे बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पीरियड नंबर बताएगा। ब्लॉक नंबर जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, ब्लॉक नंबर, ठीक है ना बालक। अब ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर के लिए कहानी देख लो। ग्रुप नंबर पता करने के लिए अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग मेथड फॉलो होती है। एस ब्लॉक के लिए अलग, बी पी ब्लॉक के लिए अलग, डी के लिए अलग, एफ के लिए अलग। तो एफ में तो आपको अभी नहीं जाना है, एफ के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एस पी डी ही की जाननी है। ग्रुप नंबर डिटरमाइन होती है फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी सबशेल प्लस वैलेंस सेल, मतलब वैलेंस सेल और n माइनस डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उससे डिटरमाइन की जाती है, ओके। तो ग्रुप नंबर पता करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस वन डी सबशेल प्लस वैलेंस सेल, ओके। और सबके लिए अलग अलग मेथड चलता है। यदि आपको s का पता करना है, ध्यान से सुनो, ओके, s ब्लॉक एलिमेंट का पता करना है, तो ओनली फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ओके। एक काम करता हूं ना, मैं सबको अलग अलग पढ़ा देता हूं, आप कंफ्यूज क्यों हो गए, मैं सबको अलग अलग पढ़ा देता हूं आपको। एस ब्लॉक के लिए ओनली फ्रॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। चलिए बच्चों मुझे बता देना कैल्शियम कौन से ग्रुप में आएगा, कॉन्फ़िगरेशन बता दो। -2 कॉन्फ़िगरेशन बता दो, आप तो जानते हो, अलग बात है कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 1s2 ना, सिंपल है, मैं वो सब छोड़ यार। आर्गन 4s2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, अंडरस्टूड। तो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा ये ग्रुप, सेकंड, टू से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक का पता करने का यही कहानी कि लास्ट वाला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपको देखना, ओके, गॉट इट। चलिए पी ब्लॉक का पता करना है, तो पी ब्लॉक नया इसी में बता दूं, नया बता देते चलो ना, बहुत जगह है मेरे पास। P ब्लॉक का होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल कौन से ग्रुप में हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा कोई। बोलो, आर्गन नहीं, सबसे नियरेस्ट नोबल गैस 18 लग रही है, आर्गन ही ना, 36 तो ज्यादा हो जाएगा, आर्गन 18 हो गई, फिर 4s2 20 हो गई, 3d10 ठीक है ना, 30 हो गई, 4p5। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ऑर्डर्ड तरीके में लिख लेते हैं। देखो ऑर्डर्ड तरीके में लिखने का अपना फायदा तो है, क्योंकि कुछ चीजें अच्छे से पता चलती है। ऑर्डर्ड तरीके में लिखेंगे तो क्या होगा, 3d10 4s2 अब अच्छा मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल में, वैलेंस चौथा ही 1
सेवन है। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, टेन प्लस नंबर वैलेंस लें। तो आप कैसे प्रचेक करोगे कि पी आ गया है, तो मतलब नंबर ऑफ, तो 10 प्लस 7 17 है ना, प्लस वैलेंस शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n माइनस 1 d सब शेल में कितना है और वैलेंस शेल में कितना है, मतलब लास्ट वाला और लास्ट से कम वाला d में कितना इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड करना है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप एक काम करो, मुझे बताओ स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D1। तो मैंने क्या बोला है, n माइनस 1 d सबसेल, तो n तो 4 है, n माइनस 1 d मतलब 3D में एक है और वैलेंस वाले में कितने हैं, दो है, two तो तीन हो गई, तो कौन सी ग्रुप में हो गई है, थर्ड। चलो मान लो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है ना, मान लो y उसका नाम है, बताओ इसका कौन सा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप 11। वेरी गुड बेटा, आर्गन इसमें 1 होता है, कॉपर है सर, कौन है पहचान आ रहा है ना, पता चल कॉपर है, 4s1 है, एंड 3d10 है, ओके। तो कितना है, ग्रुप 11 आ रहा है ना, यस सर, 7। अच्छा आप गलत भी लिख दोगे तो सही आंसर आता है, पर कुछ लेकिन इसलिए सर याद रखना, पीडीएम पर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आती है, ठीक है। चलिए ब्लॉक नंबर पता करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस रहा है, पीरियड नंबर, मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना वहां पे प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर, जो मेथड बता दिया अभी सर, एफ ब्लॉक का फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो जो एफ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा केड़ा मेरा टेक्निक चलता है उसमें, वहां पे देखेंगे, ठीक है ना। पीरियडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, वैलेंसी, देखो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे आए हैं, ठीक है ना। देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज, पहले तो वैलेंसी का मतलब समझ लो, वैलेंसी डिराइव्ड है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वैलेंटीना, वैलेंटीना शब्द से डिटरमाइन किया गया है वैलेंसी, और वैलेंटीना का मतलब होता है कंबाइन करना, टू कंबाइन, ओके, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं वेरी सिंपल में, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो चलो कहां से आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है, बट जान लो कि वैलेंसी एक टर्म लैटिन वर्ड से आया वैलेंटीना, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, देखो ग्रैंकलैंड ने, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज ग्रैंकलैंड, ओके, उन्होंने वैलेंसी का, बहुत पुराने जमाने की बात है, उन्होंने वैलेंसी का डेफिनेशन दिया था ग्रैंकलैंड ने, कि इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एन एलिमेंट कंबाइंस, ओके, ये ग्रैंकलैंड का डेफिनेशन था वैलेंसी का, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एलिमेंट कंबाइंस। जैसे कि देखो मैं आपसे यदि सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला पूछूं, मतलब बराबर होगा जितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला पूछूं, जल्दी बताओ, NaH, ओके, तो सोडियम कितने सारे हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, एक हाइड्रोजन, तो सोडियम की वैलेंसी 1,
मैग्नीशियम हाइड्रेट का फॉर्मूला देखोगे तो MgH2 होती है, तो मैग्नीशियम कितने सारे हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, दो से, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। एल्युमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है AlH, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड SiH4 4 से कंबाइन कर रहा है तो वैलेंसी 4। ओके, फास्फोरस 3 से कंबाइन करता है तो वैलेंसी इसकी 3। ओके, फास्फोरस के बाद कौन एलिमेंट आता भाई? सल्फर। तो सल्फर में आपने ये H2S गैस का नाम सुना है ना, तो सल्फर 2 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो 2। HCl नाम सुना है ना, तो क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से कंबाइन। तो ग्रैंडलैंड का जो डेफिनेशन था, ग्रैंडलैंड के नाम से गया, तो ग्रैंडलैंड की डेफिनेशन थी कि सारे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा वही उसकी वैलेंसी। तो देखो ये सारे जो ऊपर में लिख दिया वो वैलेंसी। ओके, समझ गया? तो ये पुराने जमाने की डेफिनेशन, एकदम पुराने जमाने की डेफिनेशन। ओके, ग्रैंडलैंड ने और बोला था कि इस तरह भी वैलेंसी को आप डिफाइन कर सकते हो, डबल ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एन एटम कंबाइंस, मतलब जितने सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसकी डबल रहेगी उसकी वैलेंसी। जैसे सोडियम ऑक्साइड की वैलेंसी लिखूंगा तो Na2O लिखूंगा। अब मुझे यहां पे ध्यान से बताना, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो 1 सोडियम कितना ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा? आधा से, है ना? हाफ, यस। तो वैलेंसी क्या होती है? डबल। डबल होती है कितने सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तो 1 सोडियम आधा से कंबाइन करेगा, ठीक है ना, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। डबल, आधा का डबल 1 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो डबल ऑफ दिस, तो 2। बट इट एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एक एल्युमिनियम कितना से कंबाइन करेगा? 3/2। ओके, SiO2 1-2 से कंबाइन कर रहा था वैलेंसी 4। 1-2 से कंबाइन कर रहा था, डबल ना। ओके, गॉट इट। P2O5 तो 1-5 से कंबाइन कर रहा है। ओके, सॉरी 2-5 से कंबाइन कर रहा है, तो 1 कितने से कंबाइन कर रहा है? 2.5 डबल कितनी हो जाएगी? 5। तो आप 5 और 3 भी लिख सकते हैं इसको, मालूम है ना? 5 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात होती है ना। ओके, सल्फर SO3 होती है, ठीक है ना? तो 1 सल्फर 3 से कंबाइन कर रहा है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6, जिसको आप 2 भी बोल सकते हैं, है ना? 5 बोलो या 3 बोलो, 6 बोलो या 2 बोलो। Cl2O7 ओके, 2-7 से कंबाइन करी तो 1 कितने से कंबाइन करेगी? 3.5 से, यस सर। 3.5 का डबल 7, 7 7 बोलो या 1 बोलो। तो ग्रैंडलैंड ने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे वैलेंसी की, एक हाइड्रोजन जितने सारे हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा उसके बराबर, या जितने सारे ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसकी डबल। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट था, समय जब आगे बढ़ा न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी आई। वैलेंसी का नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ध्यान से देखना। वैलेंसी का नया कॉन्सेप्ट बोलता है कि इट इज इक्वल टू टिल ग्रुप 14। ओके, टिल ग्रुप 14 वैलेंसी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ओके, और ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक की वैलेंसी को बोला गया 8 माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है ना, एनी वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, ओके। जैसे कि देख लो, सोडियम की वैलेंसी मैं यदि पूछूं, ओके, तो सोडियम का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको मालूम है ना, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या आ जाती है, 3s1, ठीक है ना, नियॉन 3s1 आएगी ना, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन होगी, ओके। मैग्नीशियम का क्या आ जाएगा, NS2, है ना, 3s2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, कोई दिक्कत, नियॉन 10, 3s2। चलो अल्मोनियम का बताओ तो जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन बताना, नियॉन फिर 3s2 फिर, अरे अल्मोनियम तीन इलेक्ट्रॉन है तो अल्मोनियम की वैलेंसी हो गई 3। सिलिकॉन का वैलेंस सेल सेल कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 10 हो गई, फिर 3s2 3p2 3p2। देखो आपको दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, देखो कैसे, नियॉन 10 मतलब ग्रुप 2 खत्म हो गया, सॉरी नियॉन 10 मतलब पीरियड 2 खत्म हो गया। अब नियॉन पीरियड 2 खत्म हो तो थर्ड पीरियड में जाएगी 3s2 3p2, तो इसके कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला सिलिकॉन के कहां है, ग्रुप 14। आप फास्फोरस का बताना जल्दी से, नियॉन हो गई 10, थर्ड पीरियड 2s2 3p3 3p3, कितनी है 5 है, बट मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, आपको क्या करना है, 8 माइनस वैलेंस सेल, तो इसकी वैलेंस से कितनी हो जाएगी 3। सल्फर की 3s2 3p4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, ओके। क्लोरीन की 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 1, समझिए बात को। अब वैलेंसी का ट्रेंड देखोगे, वैलेंसी का ट्रेंड देखोगे तो क्या है, इंक्रीजेस टिल ग्रुप 14, देन डिक्रीजेस टिल ग्रुप 17। अब 18 भी बोल सकते हो क्योंकि 18 की वैलेंसी तो जीरो होती है ना, ओके, यस, आर्गन की वैलेंसी बात करो तो 8 है तो जीरो, तो ग्रुप 18 भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो, ओके। तो ये वैलेंसी की ट्रेंड हो गई, वैलेंसी की कहानी हो गई, जो बहुत सिंपल है, बट चलो थोड़ा डिटेल्स में मैं पुराना स्टोरी भी बता दिया आपको इसका। ऑक्सीडेशन स्टेट का तो पूरी कहानी मैं तभी पढ़ाऊंगा जब रिडॉक्स पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता के बढ़ता हूँ आगे, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ना एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रही है, वो किसके तरफ ज्यादा घूमेगी। जैसे मैं सिंपल पूछूं आपसे एक कहानी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो बालक मेरे कि ए और बी आपस में बॉन्डेड है, ठीक है ना। अब मैं बोल दिया आपको कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मुझे एक बात बताना कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा चक्कर बी के तरफ मारेगा कि ए के तरफ मारेगा, बी के तरफ मारेगा, क्यों, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा है ना, अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा है, तो बी के तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा ज्यादा, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो, ईच बॉन्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स, बट मैं इस कलर से लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिख रहा है, यस सर, ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट -1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड +1 टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमने क्या पढ़ा था, एक सेकंड रुकना, हमने पढ़ा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर हल्का सा डेल्टा नेगेटिव डेवलप होता है, पढ़ा था ना, और जो
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा तो उससे एक डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, तो वो क्या बोलता है कि आप एक काम करो, इमेजिनरी मान लो कि इस पे एक पूरी तरह से माइनस वन डेवलप हो गई है और मान लो कि इस पे प्लस वन डेवलप हो गई। अब माइनस वन प्लस वन का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन चली गई है, बट ये बता रहा है कि यदि कोई लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इक्वल टू माइनस वन, तो इससे ये समझ आ रहा है कि ए और बी जो बॉन्ड बनाया है उसमें सिंगल बॉन्ड बना है और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो थोड़ा सा ज्यादा बी की ओर अट्रैक्टेड। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इक्वल टू प्लस वन, इससे ये पता चल रहा है ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनी है वो सिंगल बॉन्ड बनी है और इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा ज्यादा घसका हुआ है बी की तरफ। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लो मैं बनाता हूं ऐसे डबल बॉन्ड, मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बोला है कि हर एक बॉन्ड कंट्रीब्यूट करती है माइनस वन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बोल के रखा हूं कि मान लो कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मुझे एक बात बताना कि बी के ऊपर में आप कितना माइनस वन डालोगे, एक बॉन्ड से एक माइनस वन, दो बॉन्ड से दो माइनस, तो माइनस टू, कोई दिक्कत? ए पे कितना डालेंगे हम? प्लस टू। प्लस टू। देखो बच्चों, आप सभी को मालूम है ये बात, आपने जूनियर क्लास में ये पढ़ रखा है कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो आयनिक बॉन्ड में ही होता है, जहां पे Na plus Cl minus हम दिखा रहे हैं कि plus one minus one, MgCl2 भी हम लिखते हैं जब, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि Mg2 plus है और Cl minus है। ओके, तो ये आयनिक वाला में कंप्लीट चार्ज कॉन्सेप्ट होता है, बट जहां पे शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है वहां पे यदि आपको माइनस टू प्लस टू लिखा दिखे तो मतलब वो दर्शा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ घसका हुआ। समझ गए? चलिए, अंडरस्टूड? यस सर। तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इन डिटेल्स आप लोग इसको पढ़ोगे पूरे डिटेल्स में जब रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, गॉट इट? चलिए, हाँ, और ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि डिटेल्स में आप यही भी सीखना भी चाहते हो तो श्रीवास्तवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने एक अलग से लेक्चर लिया है। ओके, तो वो वाला आप देख सकते हो, बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है, आप रिडॉक्स रिएक्शन टाइप में ही देखना। ठीक, चलिए, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। पर चलो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी परफेक्ट हुई है। H2O में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। आप मुझे बताना कि H2O में किस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे। यहाँ पे तो आप समझ गए ऑक्सीडेशन नंबर B का हो गया माइनस टू और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर A का हो गया प्लस टू, जिसको कभी काल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है। H2O में किस पे माइनस वन या माइनस टू या किस पे प्लस वन प्लस टू आएगा बताना? सर, रो पे माइनस टू आएगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमें ऑक्सीजन का तो पहले सिंपल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा मालूम है ना, ऑक्सीजन वाटर ऐसा रहता है, आपको मालूम है? यस सर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, आपको मालूम है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो एक बॉन्ड से ले लिया ये माइनस वन और हाइड्रोजन पे कितना आया? प्लस वन। और हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड से इस हाइड्रोजन पे कितना आएगा? प्लस वन। और ये बॉन्ड से इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा? माइनस टू। तो माइनस वन मिला कितना हो गया? माइनस टू। माइनस टू। तो आपसे कोई पूछ लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, OS भी लिखते हैं शॉर्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है, तो माइनस टू है वाटर में। ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का कितना है, तो प्लस वन है वाटर। समझ गए बात को? और इसकी एप्लीकेशन और डिटेल्स में रिडॉक्स रिएक्शन, बट इतना समझ लेना सिंपल कि वाटर में जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है ना वो ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ घूमती है। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। चलो, ओ एफ टू में किस पे क्या होना चाहिए, चलो बताएगा। मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का,
ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो आपकी मर्जी। फ्लोरीन का माइनस तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन तो दुनिया में फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ये नहीं है, ये आपको मालूम है। गॉट इट। तो ये वाला एक सिंगल बॉन्ड से, ये वाला सिंगल बॉन्ड से इसको एक माइनस वन मिला, इसको एक प्लस वन मिला, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड से, ये जो दूसरी वाली बॉन्ड है, इससे भी माइनस वन मिली। गलत बता रहा हूँ ना? हाँ सर। फ्लोरीन चार है ना बेटा, तो फ्लोरीन पे माइनस वन आएगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे प्लस वन, प्लस चार जाएगा। ये वाला से प्लस वन ऑक्सीजन पे, और इस पे माइनस वन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गई प्लस टू, ओके, और फ्लोरीन हो गई माइनस वन। अब ये ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन का हरदम माइनस टू नहीं जाएगा। अब ध्यान में रखना कि ये जरूरी नहीं है किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहेगा, वो डिपेंड करती है बॉन्डिंग कंडीशन पे। उसका माइनस टू भी हो सकता है, उसका प्लस टू भी हो सकता है, समझिए बात को। ये डिपेंड करती है कंडीशन। यस सर। चलो दिमाग में रखिए, जैसे कि देख लो एक मीथेन का मैं बताता हूँ, ओके। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ? कार्बन। कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.2। तो हर एक कार्बन पे कितना आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, उसके ऊपर में लिख देते हैं हम लोग प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन। कार्बन पे कितना आएगी सब मिला के? फोर माइनस, माइनस फोर, माइनस फोर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन माइनस फोर, हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन प्लस वन। वही कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दे तो कार्बन पे कितना आएगा बोलता? कार्बन का प्लस फोर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन ज्यादा है ना, 3.5 होती है, तो कार्बन पे प्लस फोर आ गया। तो बस अभी इतना सिंपल रखो कि आप सिंगल बॉन्ड है, जैसे ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बी यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको माइनस वन दे दे, इसको प्लस वन दे दे। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू दे दो, इसको प्लस वन। ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस थ्री, प्लस। इतना बस सीख के रखो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट, बट डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, ओके। फॉर्मूला डेरिवेशन इन ग्रुप, अब ये बच्चों वाली चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। ग्रुप वन में यदि फॉर्मूला का बात किया जाए कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, तो इट विल बी मेटल हाइड्राइड, मतलब MH टाइप। देखो लिथियम, देखो आप ध्यान से सीखो, आप देख रहे हो ना, एक ग्रुप में जो हाइड्राइड होगा वो फॉर्मूला सेम होगा, LiH, NaH, KH, MH जनरल फॉर्मेट। ग्रुप टू में MH टू, ग्रुप थ्री में, थ्री नहीं है, थर्टीन में चल गए हम लोग, थ्री फोर का बाद में देखेंगे, MH थ्री होती है। आप B2H6 में मत बोलना कि B2H6 का है लिखा बेटा, BH3 मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, ओके। दो BH3 आपस में कंबाइन करके एक चेन बनाता है, वो पढ़ोगे आप लोग बाद में, अभी रहने। बट दिस इज ऑल्सो, यदि मैं इसको काट के बता दू सिंपल फॉर्म में तो BH3 ही होगी, ओके। इसकी होती है MH4 ग्रुप 14 की, ग्रुप 15 की MH3 है ना, और इसकी हो जाती है MH2। MH2 मतलब वाटर पहले लिखते हैं, वाटर में हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं, तो आप चाहो तो इसको बोल सकते हो H2M, ठीक है ना, इसको HM जनरल फॉर्मेट, ठीक है ना। यहाँ पे और M का मतलब मैं मेटल नहीं मीन कर रहा हूं, समझे, M का मतलब एलिमेंट है यहाँ पे, ओके। M2O जनरल फॉर्मेट, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O पूरा, इसका MO ग्रुप 13 M2O3, ओके, MO2, इसके M2O3 या M2O5, देखियो ना, वैलेंसी 3 बोलो 5 बोलो कहानी तो एक ही होता है, तो इसके M2O3 या M2O5, इसका MO3, और जो जो एग्जिस्ट करता है वही दी गई है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करती, M2O7। वेरी सिंपल थिंग्स है जो आपको जानना चाहिए। चलो अब एक डायगोनल रिलेशनशिप पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो,
लिथियम का नीचे आता है सोडियम, लिथियम का नीचे आता है सोडियम, सोडियम के नीचे आती है मैग्नीशियम, थोड़े पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अब मुझे एक बात बताओ, जनरल जो मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि लिथियम का प्रॉपर्टी अपने ग्रुप मेंबर से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि एक ग्रुप में प्रॉपर्टीज जो है वो मिलते जुलते होते हैं। ओके, बट ये कहानी देखा गया है कि लिथियम का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपने ग्रुप मेंबर से नहीं मिल रहा है, उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डायगोनल एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड से ज्यादा मिल रहा है। जैसे लिथियम की बहुत प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिल रही है अपनी डायगोनल एलिमेंट, बेरिलियम की बहुत प्रॉपर्टी अल्मोनियम से मिल रही है अपने डायगोनल एलिमेंट, बोरन की प्रॉपर्टी सिलिकन से मिल रही है, कार्बन की प्रॉपर्टी फॉस्फरस से मिल रही है अपने डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे बोलता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो रहते हैं, सेकेंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, ओके, और ओनली सेकेंड पीरियड की ही बात हो रही है, सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से नहीं मिलता है, बट उनका प्रॉपर्टी मिलता है, ओके, किससे? थर्ड पीरियड का एलिमेंट से, है ना, थर्ड पीरियड के डायगोनल एलिमेंट से, मतलब जो उसके डायगोनल में रखे हुए, समझ गया? देखो सेकेंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, ये वाला, उसका बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? अपने थर्ड पीरियड डायगोनल एलिमेंट से। कौन कौन से प्रॉपर्टी मिलता है? अक्सर प्रॉपर्टी, अक्सर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मिलते हैं, ओके, और वो कौन कौन से मिलते हैं वो सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एस ब्लॉक को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके? तो बच्चों दिमाग में रखिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से नहीं मिलते हैं ज्यादा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से नहीं मिलते हैं, बट डायगोनल थर्ड पीरियड एलिमेंट से मिलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाती है, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से ज्यादा मिलेगा कि मैग्नीशियम? मैग्नीशियम से ज्यादा, बेरिलियम की एल्युमिनियम से, बोरोन की सिलिकन से, कार्बन की फॉस्फोरस। अब ऐसा क्यों होता है? व्हाई एनिमल्स प्रॉपर्टी, ये जानना है हम लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो पहली बात तो होती है स्मॉल साइज, ठीक है ना, स्मॉल साइज ऑफ एटम एंड आयंस। ओके, एक्चुअली यदि आप कंपेयर करोगे लिथियम का साइज को इस डायगोनल एलिमेंट मैग्नीशियम से, या लिथियम आयन का साइज को कंपेयर करोगे डायगोनल एलिमेंट मैग्नीशियम से, मुझे एक बात बताओ, लिथियम का बहुत ज्यादा साइज अपने ग्रुप से मिल रहा है डायगोनल वाला से मिल रहा है? बहुत ज्यादा साइज डायगोनल वाले से मिल रहा है, सर, डायगोनल वाले से मिल रहा है ना। बेरिलियम का साइज बहुत ज्यादा क्लोज अपने एलिमेंट से है, अपने ग्रुप वाले से, कि डायगोनल वाले से ज्यादा क्लोज है साइज? डायगोनल वाले से, ग्रुप के एलिमेंट, हां सर, डायगोनल वाले से 160 ज्यादा होता है। तो मतलब क्या होता है, यदि आप देखोगे ना तो कंपेरेबल साइज ऑफ एटम्स एंड आयन, ओके, कंपेरेबल, comparable size of atom and ion होती है diagonal element। जैसे lithium की बहुत ज्यादा जो next element है beryllium से, okay? Sorry, beryllium बोल रहा हूँ, magnesium से, lithium का magnesium से, beryllium का aluminium से, okay? Next कहानी होती है comparable electronegativity। यदि आप इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपेयर करोगे ना डायगोनल एलिमेंट्स का, तो काफी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। वहीं डाउन द ग्रुप हम लोग जैसे ही आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होने लगता है, तो इसलिए डायगोनल एलिमेंट से प्रॉपर्टी मिल रहा है। नेक्स्ट यदि आप देखोगे हाई पोलराइजिंग पावर होती है। अब पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है देखना, चार्ज टू रेडियस रेशियो,
चार्ज और रेडियस का रेशियो। होता क्या है, लिथियम आयन यदि लोगे और मैग्नीशियम आयन लोगे और इन दोनों का चार्ज और रेडियस रेशियो को कंपेयर करोगे ना, तो दोनों की चार्ज रेडियस रेशियो जिसको हम लोग पोलराइजिंग पावर बोलते हैं वो कंपेरेबल रहती है, बट वहीं इन दोनों का कंपेयर करोगे ना तो बहुत डिफरेंस रहती है चार्ज टू रेडियस रेशियो। ओके, तो क्यों मिल रहा डायगोनल रिलेशनशिप, देखना कि हाई पोलराइजिंग पावर दोनों की होती है, वहीं अपने ग्रुप से बहुत कम मिलती है। ओके, बस यही दो तीन प्रॉपर्टी है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज बनाती है, क्योंकि देखो साइज मिलता जुलता होगा, साइज मिलता जुलता होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलता जुलता होगा, फिर पोलराइजिंग पावर मिलता जुलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी मिलता जुलता है दोनों का, तो इस वजह से इतने सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी काफी सिमिलर है। ओके, तो डायगोनल रिलेशनशिप का ये सारे रीजन जो होते हैं वो कंपेरेबल होते हैं। ओके, कंपेरेबल होते हैं इन दोनों। ओके, ओके, अब क्या है, एक और छोटा सा चीज मैं बता दूं कि ये भी जान लो कि इनका प्रॉपर्टी इससे अपने ग्रुप से काहे नहीं मिलता है, अपने ग्रुप से नहीं मिलता उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि पहला एलिमेंट जो होता है उसकी साइज छोटी है। देखो कुछ रीजन तो ऐसे भी जान लो कि अपने से क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि पहला का साइज बहुत छोटा होता है, दूसरा का साइज काफी बड़ा होता है। ओके, दूसरा रीजन होता कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, बट जैसे ही सोडियम आता है तो एक एक्स्ट्रा सेल आ जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत हो जाता है, सॉरी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है आसान होती है, सोडियम की साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगी, वैसे ही पोटासियम रुबिडियम सीजियम डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज और बड़ी होने लगती है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकती है। ओके, नेक्स्ट, और लिथियम के पास कोई डी वाले ऑर्बिटल्स नहीं रहेंगे, बट आपको मालूम है लिथियम सोडियम पोटासियम के बाद रुबिडियम सब आता है, उन सब में डी ऑर्बिटल्स आने लगते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टी तो बहुत अलग होने लगते हैं, तो ये सारे कहानी होते हैं, बट डिटेल्स में अभी जाने की जरूरत नहीं, बस आप जान लो इतना कि क्यों डायगोनल प्रॉपर्टी मिलते हैं, स्मॉल साइज रहते हैं एटम एंड आयन के जो कंपेरेबल रहती है, लिथियम की आप कंपेयर कर लोगे मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्युमिनियम से कंपेरेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल रहती है, पोलराइजिंग पावर भी चार्ज टू रेडियस रेशियो कंपेरेबल, ये डायगोनल रिलेशनशिप बताई दी आपको। अब आ जाओ पीरियडिक ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी को समझने के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। देखो बच्चों, मेटल के लिए ये बात करूं यदि केमिकल रिएक्टिविटी की, तो मेटल का रिएक्टिविटी कैसे बताओगे कि एक मेटल की अच्छी केमिकल रिएक्टिविटी है, ये कौन सा गुण बताओगे तब पता चलेगा। मेटल की अच्छी केमिकल रिएक्टिविटी है, ये कौन सा गुण बताने से पता चलता है? सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मेटल जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है वो अच्छी मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, वो इतना अच्छा रिएक्टिव होगा। जैसे कि देख लो एक मेटल है, मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और M प्लस बन रहा है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि चलो M का क्यों बात लू, सोडियम का ही कहानी ले लेता हूँ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाला और Na प्लस तुरंत बन रहा, मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ रही है Mg2 प्लस बनने की, तो मुझे एक बात बताना कि ज्यादा अच्छा मेटल आपको कौन लग रहा है, कि सोडियम की मैग्नीशियम, ज्यादा अच्छा मेटल कौन लग रहा है? सोडियम तो भैया अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मालूम है ना सोडियम 281 होती है, सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 28 बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो खुशी खुशी निकालेगा क्योंकि उसको नोबल गैस जैसा बन जाना, ये तो 282 रहती है। अब इसको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना तो टफ होता है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा, तो ज्यादा अच्छा मेटल कौन होगा? सोडियम होगा, है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाए। नॉन मेटेलिक,
कैरेक्टर या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पे, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताना, जैसे कि मानो कि ऑक्सीजन है, उसको तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके O2 माइनस बनना है, और जैसे क्लोरीन है उसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनना है। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन क्लोरीन में आपको ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अच्छा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन लगेगा? Cl एक अच्छा नॉन मेटल बनेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनेगा। ओके, देखो चलो अब ये तो समझ गया कि कौन से मेटल ज्यादा अच्छे होंगे जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेंगे, कौन नॉन मेटल अच्छे होंगे रिएक्टिव जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब मान लो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है, सिलिकॉन ऑक्साइड बना रही है, फॉस्फोरस ऑक्साइड बना रही है, सल्फर ऑक्साइड बना रही है, क्लोरीन ऑक्साइड बना रही है। चलो आप मुझे बता दो तो इन ऑक्साइड की नेचर क्या होगी, जल्दी इन ऑक्साइड की नेचर क्या होगी ये बताना है आपको। सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों? सर बेसिक ऑक्साइड। आपने पढ़ा हुआ है सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, और आपको मालूम है इट्स हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है, थोड़ा कम बेसिक है। अल्मोनियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक। ना 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 ना, आपने ये यदि पढ़ा हो शायद। यस सर, एम्फोटेरिक सर। हाँ सर, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है। बेसिक बेस क्या होती है कि एसिड से रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर बनाती है, आप लोग पढ़ाए हुए हो जूनियर क्लास में। बट एम्फोटेरिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो अल्मोनियम ऑक्साइड एक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, AlCl3 बनाता है एसिड से रिएक्ट करने के बाद प्लस H2O, सॉल्ट वाटर बन रही है, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAl2 प्लस H2O बन रही है। तो यहाँ पे देखो ये बेस है, ओके इट्स अ बेस। तो यहाँ पे अल्मोनियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है, ओके यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ पे अल्मोनियम एक बेसिक बिहेवियर शो कर रही है। तो एक ऑक्साइड जो दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ओके। और एक चीज छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को एक चीज पढ़ाया था, ये मैं लिख देता हूँ। हाँ, ग्रुप टू को हम लोग कौन सा मेटल बोलते हैं कॉमन? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, ये दिमाग में रखना, ओके नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बोलो जैसे बेरिलियम को क्यों हम एल्कलाइन मेटल नहीं बोलते, एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है कि इन ग्रुप के, जैसे कि बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ओके कैल्शियम हुआ, तो पहले इसका मतलब समझो कि अर्थ मेटल, अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना वो काफी हीट के प्रति स्टेबल होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का डेफिनेशन सुन लो कि क्यों एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अर्थ मेटल बोलने का मतलब क्या होता है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, और एल्कलाइन बोलने का मतलब क्या है, ये एल्कली बिहेवियर शो करती है, मतलब बेसिक होती है इनकी ऑक्साइड, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने का दो रीजन होता है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ओके मतलब इनके ऑक्साइड जो होते हैं स्टेबल टुवर्ड्स हीट होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनके जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है। बट मैं आपको बता दूं, ये बेरिलियम ऑक्साइड पहला कैटेगरी तो पूरा करता है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट है, काफी स्टेबल टुवर्ड्स हीट है, बट इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
ओके, अब एम्फोटेरिक नेचर आ गया तो हम लोग ये दूसरा वाला कैटेगरी की एल्कलीन होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी के एज पर बेरिलियम ऑक्साइड को एल्कलीन अर्थ मेटल नहीं माना जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बेरिलियम नॉट एल्कलीन अर्थ मेटल, क्योंकि उसकी जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक। SiO2, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि SiO2 कैसा ऑक्साइड है। SiO2 कैसा ऑक्साइड है? हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बट चलो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, बट ये जान लो ये फीबली एसिडिक होता है, हल्का फुल्का एसिडिक, ठीक है ना। P2O5 एसिडिक होती है, तो इसको क्या फीबली एसिडिक है, इसको बोल दो एसिडिक। ये वाला थोड़ा ज्यादा एसिडिक होती है, मोर एसिडिक। Cl2O7 मोस्ट एसिडिक, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बेसिक टू एसिडिक, है ना, बेसिक से एसिडिक की ओर जा रहा है यदि हम लोग अलोंग द पीरियड देखें, ठीक है ना। सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, चलो केमिकल रिएक्टिविटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो चलो आपसे देखते हैं कि आपको इस बारे में कितना मालूम है। मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है। अब इन सब में आपको मुझे बताना है कि रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड की कहानी मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताइएगा बेटा कि रिएक्टिविटी की क्या कहानी लग रही है यहाँ पे, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है? सर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एंड देन बिकम लेस रिएक्टिव एंड देन फिर इंक्रीजिंग। कहाँ से बोल सकते हैं सर? Na से एल्यूमिनियम। हाँ, यदि ग्रुप 14 का बात किया जाए, देखो ये ग्रुप 14 है, ठीक है ना, ग्रुप 14 एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप 14 एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वहीं सोडियम एज अ मेटल वेरी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, एल्युमिनियम थोड़ा कम रिएक्टिव हो जाती है। तो देखोगे आप ग्रुप 14 तक आप देखोगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ग्रुप 14 तक बात करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, बट वहीं आप देखोगे नॉन मेटल फास्फोरस सल्फर क्लोरीन इधर जाने से रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ग्रुप 17 तक। तो आपको दिमाग में रखना है कि ग्रुप 1 से ग्रुप 14 तक जा रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, और ग्रुप 15 से 18 तक जाओगे, सॉरी ग्रुप 15 से 17 तक जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नोबल गैस का तो मैं बात करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है सबको मालूम। तो केमिकल रिएक्टिविटी की ये कहानी दिमाग में रखना, ग्रुप 1 से ग्रुप 13 ग्रुप 14 तक रिएक्टिविटी घट रही है, फिर 15 से 17 तक रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो वही अक्रॉस अ पीरियड तो आपको बता ही दिया कि रिएक्टिविटी ग्रुप 14 तक इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। ओके, एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूं बेटा, अक्रॉस, अच्छा केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड तो बता दिया ना, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, चलो डाउन द ग्रुप बताता हूं। देखो वेट अ मिनट, ये थोड़ा स्क्रीन हैंग हो गया बेटा, ओके छोड़ो आटो। जल्दी बताना, मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डैश डाउन द ग्रुप सर इंक्रीजेस,
तो पीरियडिक टेबल में जहां जहां आपको मेटल मिलते हैं, मेटल कहां, ग्रुप वन में मेटल है, अक्सर ग्रुप वन में मेटल है, तो डाउन द ग्रुप यदि जाओगे तो डाउन द ग्रुप हम जहां पे मेटल प्रेजेंट है वहां पे देखेंगे कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। ओके, तो आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेयर मेटल कौन होगा तो मुझे बता सकते हो आप क्या? होना तो चाहिए फ्रांसियम, बट अब फ्रांसियम एक रिसर्च वाला चीज है कि उसपे अभी, अभी भी रिसर्च चल रही है, इसलिए हमें नहीं मालूम है उसके बारे में, इसलिए हम लोग सीजियम को मान के चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे रिएक्टिव मेटल माना जाए तो एट द बॉटम ऑफ ग्रुप वन हो, फ्रांसियम बोलना चाहिए, बट सीजियम को हम मान के चलते हैं क्योंकि पेजियम फ्रांसियम का रिएक्टिविटी हम लोग अभी तक कर नहीं पाए। इट्स अ वेरी रेयर मेटल, बहुत कम इसका लाइफ पीरियड होता है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता। ओके, नॉन मेटल के केस में बात किया जाए तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डैश डाउन द ग्रुप क्या होगा? नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए माना जाता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज छोटा जा होते जाएगा, सॉरी डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होते जाएगा, बड़ा साइज होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके बच्चों, क्लियर? चलिए, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? सर फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्योंकि टॉप द ग्रुप है, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, और सीजियम लीस्ट रिएक्टिव। तो ये तो केमिकल रिएक्टिविटी की कहानी है। एक चीज होती है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, आपको मालूम है केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें आप मुझे बताइएगा कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है? सर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक वाले कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोवेलेंट वाले कम रिएक्टिव होते हैं। बट मुझे एक बात बताना, क्या 100% बोल के हम बोले कि सोडियम क्लोराइड इज अ 100% आयनिक कंपाउंड, क्या ये बोलना सही है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, HCl जो बना होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा कि, सॉरी, HCl जो बना होगा वो शेयरिंग से बना है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है? कोवेलेंट बॉन्ड सर, शेयरिंग से, शेयरिंग से, शेयरिंग से बना है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, नाइदर आप NaCl को बोल सकते हो 100% आयनिक, ना ही आप HCl को बोल सकते हो 100% कोवेलेंट। दुनिया में या केमिस्ट्री में 100% वाली आयनिक की कहानी या 100% वाले कोवेलेंट की कहानी एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब इसमें इतना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, इसमें इतना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना? देखो, परसेंट आयनिक कैरेक्टर यदि आपको निकालना है कि एक कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, तो उसका निकालने का एक आसान तरीका होता है। देखो, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, ये आपको बुक में नहीं दिया गया बट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेल्टा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, डेल्टा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, मतलब जिससे जिससे कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बना है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, मतलब ए और बी से मिलके यदि एक कंपाउंड बना है तो ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, तो एक कंपाउंड में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ओके, उसको यदि आप जानते हो तो कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है आप पता कर सकते हो। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि एक कंपाउंड है
एक कंपाउंड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन, ठीक है ना, एक कंपाउंड बन रहा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वन है, तो आप मुझे बताओ तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना होगा उसमें, कितना होना चाहिए? 19.5. वेरी सिंपल ना, मैंने क्या किया 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 रखा, 3.5 इनटू 1 का स्क्वायर, तो निकलेगा कितनी 19.5% के आसपास, समझ गए? आप आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से कि एक कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, बट ये फॉर्मूला का यूज किए बिना भी आप बता सकते हो कि एक कंपाउंड ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि उसमें कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। देखिएगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इज लेस देन 1.7, ओके, इज लेस देन 1.7, तो ये दिमाग में रखिएगा, मोर देन 50%, मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, ओके, 1.7 से ज्यादा होगा, उल्टा लिख रहा हूं, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब ए और बी कंबाइन कर रहा है, उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस जो है मोर देन 1.7 है, तो आप समझ लेना उसमें 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, ओके, और इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7, ओके, तो ये आप ध्यान, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहां से निकलेगा? क्या बोल रहे बेटा सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा आपको मालूम नहीं है? जैसे आपको मैंने सोडियम क्लोराइड दे दिया, तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने बोला था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट दिया था 0.9, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कहां से निकलेगा? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, भूल गया, दिखा देता हूं। सर मतलब याद अगर नहीं रहा तो निकलेगा कैसे? याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, याद करना पड़ेगा कुछ के जो इम्पोर्टेंट बताए थे ना, समझ गए, उनका याद रखना, लेस देन 50% आयनिक कैरेक्टर। देखो ध्यान से देखना, आप किसी चीज में 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है तो हम मान लेते हैं कि वो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। यदि कोई कंपाउंड में 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है तो हम मान लेते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है तो 50% से ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, तो हम मान लेते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके, समझ गए? तो यही चैप्टर की यही कहानी है आपकी, ये वाला तो लास्ट क्लास में दिखा दिया था, इसको देख लेना, बना लो कुछ क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ क्रोमियम इन पीरियडिक टेबल इफ यू हैव 4 वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। आपको मैंने बोला था कि पीरियडिक टेबल डिजाइंड है पॉली की एक्सक्लूजन थ्योरी पे। स्पिन का कितना वैल्यू होता है स्पिन क्वांटम नंबर का? दो वैल्यू होता है, ओके, तो आपसे पूछा गया कि स्पिन का यदि 4 को वैल्यू होगा तो क्रोमियम का पोजिशन क्या होगा पीरियडिक टेबल। अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि 1s2 मतलब स्पिन का 2 ही वैल्यू होता है, इसलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भैया पहला पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, 2s2 2p6, s में 1 डब्बा होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन, p में 3 डब्बा होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, भैया आपका सेकंड में 8 एलिमेंट आ सकते हैं। बट यदि स्पिन के 4 वैल्यू हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है पीरियडिक टेबल का नक्शा ही बदल जाएगा, तो आपको मुझे बताना है क्रोमियम का पोजीशन क्या होगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, जल्दी बताओ कौन आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए?
नहीं मालूम सर, एट एट राइट आंसर। देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यदि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, यदि स्पिन के चार वैल्यूज होते हैं, तो स्पिन के चार वैल्यूज होते तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते थे, चार चार, तो 1s4, 2s4, 3p, 2s के बाद 3s आता है, नहीं 2s के बाद 2p ना आएगा, 2p में कितने आ पाते, 12, अरे p में कितने डब्बे होते हैं, तीन डब्बे होते हैं ना, एक में चार आते तो तीन में 12 आते, तो कितने 12 चार 16, 16 चार 20, 3s4, 24, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाता क्रोमियम का। तो क्रोमियम का कैसे जानते, मैक्सिमम नंबर तो थर्ड पीरियड, और एस ब्लॉक एलिमेंट है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट का लास्ट सेल में जितना होता है उतना ही ग्रुप होता है, तो ग्रुप 4। समझ आया स्टूडेंट? यस सर। चलो तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है, 5 वैल्यू रहता तो क्या होता है, 10 वैल्यू रहता तो क्या होता है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बिलोंग टू, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है शायद सर, 8 होगा, वेरी गुड वेरी गुड, 8 होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18, 4s2, 3d 6, और मैंने अभी पढ़ाया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का यदि आपको जगह जानना है, ग्रुप नंबर जानना है, तो हम लोग क्या करना है, ऐड करते ऐड करना है वैलेंस वाला और इसको, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सी बी सर, सी इज राइट, सी सर। चलो Which of the following metal is expected to highest ionization energy 3? ये मत गलती करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया है, मैं एज अ रिविजन देख रहा हूँ कि किसको याद है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 3 किसकी होगी, मैग्नीशियम का होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देखो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 20 हो गए, 3d5 हो गई, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको मालूम है ना, सबसे बड़ा से इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया एस से, तीसरा इलेक्ट्रॉन एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगा, तो मैंगनीज जेड इक्वल टू 25 होगा, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से चेंज करके आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तब ये आंसर नहीं रह जाएगा, तब दूसरा कोई हो जाएगा, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 तब कोई दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप इन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे लंबा गैप है, बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, किसमें सर, बी थर्ड होगा बेटा, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल लोगे यहां से 3s2 से, चलो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर p एक हाफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फील्ड से निकालना बहुत दिक्कत होगा, इसे बहुत ज्यादा एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो ये बोलोगे कोई b बोल रहा है तो गलत, क्योंकि पहला तो निकल जाएगा, चलो दूसरा आप निकाल लिए, दूसरा मैंने निकाल लिया, सेकेंड और तीसरा हमें पूछा है, तो p5 हो गया, तब तो आराम से निकलेगा। Which of the following represent the correct order of increasing ionization enthalpy? क्या होगा इसका आंसर? सोच के आंसर दीजिएगा हड़बड़ा के लिए। हाँ? First ionization ही पूछा है। ए है क्या सर? ए है, मैं नहीं बता सकता ए है, पर जो जो एलिमेंट है वो देख लो ना पहले, बेरियम का क्या है, कैल्शियम है, बेरियम है, कैल्शियम के नीचे बेरियम आता है, ओके सल्फर है, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन नहीं है,
और आर्गन, ठीक है, ये एलिमेंट दिया हुआ, यही पांच एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, रहने दो लिख के में क्या है। तो पूछा गया इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर्गन, अरे भैया आपको नोबल गैस से तो निकालना सबसे मुश्किल होता है, तो सबसे ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चारों ऑप्शन अभी जिंदा है, ठीक है ना। फिर आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट क्या होगा, इधर जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, डाउन आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो सल्फर और सेलिनियम में किसका ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, सल्फर, सल्फर का होगा, तो सल्फर, देखो ऑप्शन ऐसे ही बनाना, नेक्स्ट सल्फर होगा, तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया मेरा, है ना, सल्फर के बाद सेलिनियम, बेरिलियम, ठीक है ना, फिर बेरिलियम, ओके, फिर कैल्शियम का, फिर बेरियम का, ठीक है ना, बेरियम का सबसे आसान करके नीचे। Which of the following represent correct relation between X to Y? बहुत तबीयत खराब है यार, चलो बताओ बच्चे, देखो आंसर बनाने टाइम में बच्चे भागने लगे, क्या हुआ करेक्ट, सी। चलिए देखते हैं, लिथियम से पोटासियम, मतलब लिथियम सोडियम पोटासियम, डाउन द ग्रुप है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा, बिल्कुल नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, बड़ा साइज होगा। फ्लोरीन से ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव साइन का मतलब क्या, नेगेटिव मतलब वो तो बता रहा है कि निकल रही है, बट इंक्रीज बिल्कुल नहीं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होती, गलत दिया हुआ ना। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, हाँ डाउन द ग्रुप है, कहे सीता जी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इंक्रीज हो रही है, आर्गन से जनरल नोबल कैरेक्टर इंक्रीजेस, नहीं डाउन द ग्रुप नोबल कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होगी, क्योंकि आप बाद में पढ़ोगे कि जनरल एक ऐसी कंपाउंड है जो बहुत सारे कंपाउंड बनाती है, ओके, जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, आप लोग पढ़ोगे बाद में, डाउन द ग्रुप नोबल कैरेक्टर डिक्रीज होती है। आपको पता चल जाए, नहीं नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि लुईस का मतलब, अब लुईस थोड़े भगवान है, लुईस बोल दिया कि नोबल गैस नहीं किसी से रिएक्ट करेगा, इसलिए सब उसी के जैसा बनेगा, बट लुईस का कॉन्सेप्ट से दुनिया नहीं चलता है, केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लुईस की कॉन्सेप्ट फेल हुई है, फिर और नया कॉन्सेप्ट आया, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही फंडू चैप्टर, मजेदार चैप्टर, और केमिस्ट्री का मतलब आपको आप कॉम्बिनेशन समझा देगा, समझ आओ, देखो कितना मजेदार तरीके से सिलेबस बनाया हुआ, पहले एटम पढ़ाया गया, ठीक है ना, फिर एटम से कंबाइन होके जो एलिमेंट बने उनके प्रॉपर्टी को आपको सीख बताया गया है, अब केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाएगा कि एलिमेंट कैसे आपस में कंबाइन करके नए नए चीज बनाते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे तो मजेदार चैप्टर है, फुल फंडू वाला चैप्टर है, एकदम मजा आ जाएगा उस चैप्टर में, फुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। नेक्स्ट स्टार्ट होगा, फाइंड द प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक, एंडो मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक, फाइंड द प्रोसेस विच इज एंडोथर्मिक, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सर ए, ए ही होगा ऑब्वियस सी बात, यस सर ए, ये होगा, ओके। Which of the following process involves absorption of energy? मतलब absorption मतलब endo.
answer B. गुड एंडो का है, कहा है कि भैया आप एक नेगेटिव सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो जबरदस्ती वाला काम नहीं करोगे, ये वाला क्या है न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो चलेगा, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो चलेगा, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो चलेगा, बट एक नेगेटिव में डाल रहे नहीं चलेगा। द फोर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी आर गिवन, द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज, कितना बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है इसका, 1, 2, 3, 4 देखो जिसका एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम वो आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिसका दो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब दो निकालने से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो वो दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जिसका तीन निकालने से ऑक्टेट पूरा होता है उसकी तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब अल्मोनियम तीन तो लगभग आराम से निकालेगा ना, क्योंकि तीन तो निकालना है भैया। देखो आराम से देखो, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हुआ, दिस वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, आयोनाइजेशन एनर्जी 4, तो पहला निकालने के लिए 6 का लगा एनर्जी, दूसरा निकालने के लिए 11 का लगा, ठीक है डबल हुई है मान लिया, पर भैया एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव सिस्टम से निकाल रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी तो लगता है, बट यहां देखो तीसरा यदि आप निकालना चाह रहे हो तो मतलब तीन गुना चार गुना एनर्जी लग रहा है, चार गुना से भी ऊपर एनर्जी लग रहा है, तो मतलब ये सिस्टम दो इलेक्ट्रॉन निकाल के खुश है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकालना नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत हाई एनर्जी लगा रहे हो, तो इसमें कितने हैं वैलेंस दो ही है, तब ना ये दो निकाल के चुप बैठना चाह रहा है, तीसरा नहीं निकालना चाहता जल्दी, समझ आई? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन डी ब्लॉक एलिमेंट है? 29 कॉपर, तो देखिए और एक तो है 46 58 कौन बोला रे? आप लोग पढ़ाए तो याद आ रहा है, एफ ब्लॉक वाला याद रखने बोले थे आप लोगों को, सेरम से लुटा yes, 58 to 71 ये वाला याद रखना क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछता है फंसाता है, और ये वाला दिमाग में नहीं रहेगा तो आप गलती करोगे, और कौन सा था थोरियम से 92 103 103 ओके, आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ देम इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ले फंस जाओगे कैसे पहचानोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप लास्ट ही सोचोगे 81 सबसे ज्यादा मार दो इसको, 81 ठीक है ना, 81 नहीं, 81 नहीं है एफ ब्लॉक, 81 नहीं है ना एफ ब्लॉक, एफ में नहीं आएगी, नो सर नहीं, तो ये है लाइक 46 पैलेडियम, ये याद रखना ठीक है ना, एफ ब्लॉक में ये रहेगा ये, तो डी ब्लॉक में ये दोनों ठीक है 46 पैलेडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रेडियस ऑफ आयनिक, देखो आयनिक बॉन्ड बनती जब है तो दो के बीच में डिस्टेंस कम रहती है ओके, अब मुझे एक बात बताओ जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डिस्टेंस को कम कर देगा है कि नहीं, तो रेडियस आयनिक, आयनिक रेडियस जो रहेगी वो तो कम रहती है ना, और कम कब रहेगी जब दो के बीच में अट्रैक्शन हाई रहे, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा उतना आयनिक रेडियस कम है ना, आयनिक रेडियस क्या बताता है डिस्टेंस बिटवीन दो आयंस, और आयनिक रेडियस बहुत कम होती है आपको मालूम है क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, रेडियस कम रहेगी, और Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो जेड इफेक्टिव ज्यादा ही रहेगा। ये वाला बोलोगे सर ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया नहीं है, बट मैं आपको याद दिलवा दूंगा कि मैंने पढ़ाया, बनाओ अच्छा क्वेश्चन ये वाला, और मैंने यदि कॉपी आप लोगों के सामने है तो देखोगे तो मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिखवाया था, याद आ रहा है? यस सर। देखो क्या बताया था, सब मेंस का क्वेश्चन है बाबू, सब मोलिकल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ये बताया था, याद आया कि नहीं याद आया?
अरे बच्चों याद आया कि नहीं याद आया, क्योंकि क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आप तो भागोगे फड़फड़ा के एकदम। भूल गए सर। देखो क्या बोल रहे, खोज रहे हैं सर, भूल गए। पढ़ाए थे मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इस रिलेशन से निकाल लो, इस 2 को इधर भेज दो, ट्वाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब 10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दे तो बच्चा लोग को मतलब लगता है कि क्या हो गया, आज तो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट क्लास का चैप्टर स्टार्ट करूँ तो कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, हो गया ना, सही है ना? यस सर। चलो आप बताओ ये वाला क्या होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू S block. Yes sir. Yes. Confirm. Yes sir. Order में last electron S में जा रहा है। हाँ last S में जा रहा है, वो तो हम order में लिखा हुआ इसी है ना, इसलिए ना हम बोलते हैं कि मेरा method सीखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, तो ऐसे लिखा हुआ है। बट यदि आप सही तरीका से लिखोगे जैसे भर्ती है तो 1s2, 2s2, 2p6, डी ब्लॉक सर, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 4s2, 3d10, ठीक है ना, 4p6, सॉरी हाँ 4p6, फिर 5s2, ठीक है ना, 5s2 के बाद 4d10, डी ब्लॉक होगा। ऑर्डर में यही होना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद 4s2, 3d10, है ना, 4p6, 5s2, 4p6 खत्म हो गया ना फोर्थ पीरियड में, फिर 5s2, 4d10। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर ए, पिटाएगा का। मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट मोजली ने दिया था, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहां था आगे? यस सर, बी होगा, मोजली ना। रोहित ऐसा क्या बना हो गया, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहां था दिया? वो भी मुलिकन ने कौन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ने किया, आर ए मिलिकन। अच्छा बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर आपने मुझे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ाया, है ना स्टूडेंट्स? तो चिंता मत करो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक वीडियो में डाल दूंगा, और वैसे भी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन उससे नए आते। चलो बताओ ये वाला, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्या होगा सर? बी होगा। बी होगा पक्का? यस सर। क्लोरीन का ब्रोमीन से कम होता है? देखो ये फंसाया है, कितना आसानी से फंसाया है। डी होगा सर। डी डी यस सर। आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब सी होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। पीटेंगे इतना ना, याद कर लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिव का पूरा दिखाया था तुम लोग को चार्ट का डालो। ए ऑप्शन आंसर है इसका, देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस, अच्छा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट रुक जा। देखो ध्यान में रखो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखा हुआ, देखो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, सॉरी फ्लोरीन का ऐसे करके लिखा हुआ, ऐसे ऐसे लिखा हुआ, देखो इस तरह ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, देखो क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा है ना, ओके ब्रोमीन का भी क्लोरीन से ज्यादा है,
सॉरी क्लोरीन का भी ब्रोमीन से ज्यादा है और आयोडीन का भी क्लोरीन से कम है बट ब्लू ब्रोमीन से कम है उसका, समझ गया ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के फंसा दिया जिस हिसाब से आंसर लिखा है, गॉट इट? समझ गए? क्लोरीन का सबसे yes, ज्यादा देखो आंसर, और आपको मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन से भी ज्यादा, साइज छोटा होता है इसलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 क्या होगा? 43 से ऊपर जो होगा, अच्छा 43 से जो ऊपर होगा कितना माइनस करोगे? 18 माइनस करोगे? 25 होना चाहिए उसका, तो कौन सा होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितना हो गया? 10। यस सर, ए ही होगा। ए ही होगा। इन द गिवन एनर्जी लेवल द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इज, कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड रहता है? अपने पढ़ा हुआ इसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी जब पढ़ा रहा था। SPDF, S सबसे सामने होता है। एक और क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन बिकॉज, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन, क्या होगा? सर ए क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन, तो कार्बन से लोअर है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना चाहिए ना नाइट्रोजन को। मैं मान लिया साइज छोटा है, मान लिया साइज छोटा है, बट इसको इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेना चाहिए तब, यदि ये एक्सप्लेनेशन सही है तो। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p3, समझ रहे हो ना? हाफ फील्ड है तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो वो ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि हम एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ रहे हैं और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, बताया था ना? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय।